Today I am going to tell you about a YouTube partner program overview and eligibility. आपको YouTube partner program के लिए क्या क्या चाहिए होगा और उसके क्या eligibility होती है हम बताएंगे. YouTube partner program का सीधा मतलब अपने YouTube channel को monetize करना और उसको पैसे कमाने के लिए Google AdSense के साथ जोड़ना ही है. यह YouTube से पैसे कमाने का ही एक रास्ता है जिसको YouTube ने YouTube Partner Program नाम दिया है. इसको आप मोनेटाइजेशन के नाम से भी जान सकते हैं. तो आपको पता ही है कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा चाहिए होता है और YouTube Partner Program तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं. YouTube Partner Program gives creator greater access to YouTube resources and features. और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको YouTube के जो फीचर्स हैं उसको उसको रन करने का आपको मौका मिलता है. तो आपको क्या क्या YouTube देता है? YouTube देता है क्रिएटर सपोर्ट टीम, कॉपीराइट मैच टूल और मोनेटाइजेशन फीचर. तीन चीज आपको मिलती है. तो सपोर्ट टीम जो होती है वो आपको सपोर्ट करती है कि कैसे आप काम करिए, और मैच टूल है देती है और मोनेटाइजेशन फीचर देती है. अब मोनेटाइजेशन हमने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? फॉलो ऑल द यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी. अब मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है? 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा. The YouTube monetization policy are collection of policy that allow you to monetize on YouTube. As a YouTube partner, your agreement include the YouTube partner program policy require compliance with these monetization policy to potentially earn money on YouTube. अब उनकी जो जो monetization policy है वो आपको follow करनी पड़ेगी. 1000 subscriber, 4000 घंटा और AdSense account होना चाहिए. तथा आपको YouTube Partner Program जहाँ जहाँ जिस कंट्री में अवेलेबल है वहाँ पे लाइव करने की ज़रूरत पड़ती है, लाइव करना पड़ता है. YouTube Partner Program Application Checklist. अब YouTube Partner Program के लिए क्या क्या करना है इसकी एक चेकलिस्ट YouTube ने दी है जो हम आपको बता रहे हैं. Everyone who meet our threshold can apply for YouTube Partner Program. जो भी 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा और AdSense अकाउंट ऐड करता है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को ऐड कर सकता है. बट यू डू नीड टू मीट सम ऑफ द गाइडलाइंस टू बी कंसिडर. लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है जो कंसिडर करनी पड़ेगी. मेक श्योर योर चैनल फॉलो आवर पॉलिसी एंड गाइडलाइन. तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा यूट्यूब को कि आप उनकी पॉलिसी और गाइडलाइन को फॉलो करते हैं. Enable two-step verification for your Google account. आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन ही नहीं कीजिएगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, और कोई भी आगे काम होगा तो वो ईमेल के थ्रू होगा, इसलिए उसको two-step verification मांगता है. और अगर नहीं किया है तो Google अकाउंट में GCO2SV पे जाकर उसको स्टार्ट कर दीजिए और काम करिए. Have at least 1000 subscribers and 4000 valid public watcher. जो कि हम शुरू से जैसे ही अपना चैनल स्टार्ट करते हैं वो हमको बताने लग जाता है कि आपको ये चाहिए. Sign YPP term. अब YouTube Partner Programs की कुछ term होती है जिसको हमको sign करना पड़ेगा. You can ask to be notified when you reach the subscriber and public watcher threshold. थ्रेशोल्ड मतलब है कि जिस लिमिट तक आपको पहुंचना था वहां तक पहुंच गए कि नहीं. अगर आपका वहां तक नहीं पहुंचा है तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा. वंस योर चैनल मीट द थ्रेशोल्ड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन. अब जब 1000 घंटा और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. साइन करेंगे यूट्यूब में और यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेनू पे मोनेटाइजेशन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे. इफ यू अंडर द थ्रेशोल्ड क्लिक नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल टू गेट एन ईमेल. और आप यूट्यूब को बोलिएगा कि आप हमें
ईमेल से नोटिफाई करिए जब मैं एलिजिबल हो जाऊँ मोनेटाइजेशन के लिए। तो यूट्यूब बताता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जब 12 मंथ के अंदर आपका होगा तब आप मोनेटाइज होंगे। इफ़ यू मीट द थ्रेशोल्ड क्लिक स्टार्ट ऑन रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म कार्ड। और अगर ये आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आप रिव्यू कर सकते हैं पार्टनर प्रोग्राम के टर्म कार्ड को। वन यू साइन द टर्म वी विल मार्क दिस स्टेप विद अ ग्रीन डन साइन ऑन द रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म कार्ड। और जैसे ही आपका आप इसको साइन करते हैं वैसे ही वो ग्रीन रंग का एक डन कार्ड दे देगा आपको पार्टनर प्रोग्राम के लिए। मेक श्योर यू ओनली हैव वन एडसीन अकाउंट। लेकिन उसके पहले आपको ये श्योर करना है कि आपके पास एक ही एडसीन अकाउंट है। एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस यू विल नीड कनेक्ट द एडसीन अकाउंट टू गेट पे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एडसीन अकाउंट को अपने चैनल से ऐड करना पड़ेगा। क्लिक स्टार्ट ऑन साइन अप फॉर गूगल एडसीन कार्ड। अब गूगल एडसीन कार्ड को साइन अप करने के लिए उस पर स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ एडसीन अकाउंट यूज वन दैट ऑलरेडी अप्रूव्ड। और अगर पहले से कोई एडसीन अकाउंट है तो उसको अप्रूव कर लीजिए। अब पहले से अप्रूव है तो उसी को ऐड कर लीजिए। यू कैन लिंक एज मैनी ऑफ योर चैनल एज यू वॉन्ट टू सिंगल एडसीन अकाउंट। और इस एडसीन अकाउंट से आप चाहे जितने चैनल हैं उसको ऐड कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एडसीन अकाउंट यू कैन क्रिएट वन बाय फॉलोइंग द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। अब अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाइए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको देख करके एडसीन अकाउंट को ऐड कर लीजिए। Once you have connected your AdSense, we will mark this step with a green done sign on the sign up for Google AdSense card. और फिर जैसे ही आप साइन अप करिएगा वो वहाँ पर आपको ग्रीन डन लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका AdSense अकाउंट ऐड हो गया। Get reviewed. Once you sign the YouTube partner program terms and connect the AdSense account, your channel will be automatically be put into review. और जैसे ही आप ये करते हैं आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू के लिए चला जाता है। आवर ऑटोमेटेड सिस्टम एंड ह्यूमन रिव्यू विल देन रिव्यू योर चैनल कंटेंट टू चेक वेदर योर अकाउंट हैज फॉलोड ऑल आवर गाइडलाइंस और नॉट। और यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस एनी टाइम एट। अब उसके बाद रिव्यू में जाने के बाद जो चेक होता है कि जो उनका क्राइटेरिया था वो आपने फुलफिल किया कि नहीं किया और प्रॉपर वे से लोग आ रहे हैं आपका यूट्यूब देखने के नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप http://studio.youtube.com चैनल यूसी मोनेटाइजेशन पे जा करके उसको देख सकते हैं कि यू आर एक्सेप्टेड इनटू YPP। अगर आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन नाउ सेट अप प्रेफरेंस एंड एनेबल मोनेटाइजेशन ऑन योर अपलोड। आप अब और काम आगे कर सकते हैं। इफ यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम YPP देन अगेन यू कैन अप्लाई विद इन 30 डेज। फिर से आप उसको सही करिए और उसको अप्लाई करिए 30 दिन के बाद। रिव्यू प्रोसेस पूरा होने पर योर एप्लीकेशन विल बी पुट इनटू क्यू वंस यू मीट आवर सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम थ्रेशोल्ड। साइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड कनेक्ट योर एडसेंस अकाउंट। ये रिव्यू होने से पहले आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं जल्दी हो पाता है तो उसका रीज़न ये होगा कि उनके पास चेक करने वाले लोग नहीं हैं तो आपको थोड़े दिन वेट भी करना पड़ सकता है। वंस यू आर इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यू विल बी एबल टू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन मनी थ्रू एडवर्टीजमेंट। और एक बार जब मोनेटाइज हो जाएगा पार्टनर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आपका रेडी हो जाएगा तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। दिस इज डन इन टू वे, जो कि दो तरह से होता है। कॉस्ट पर 1000 व्यू विद अ CPM यू कैन अर्न मनी बेस्ड ऑन एवरी 1000 व्यू अक्यूमुलेट। 1000 व्यू अक्यूमुलेट होने पर आपका कॉस्ट पर 1000 व्यू के हिसाब से पेमेंट होगा। और कॉस्ट पर क्लिक, अगर कॉस्ट पर 1000 नहीं आता है वाइल विथ सी पी
See, you can earn money based on the number of people that click on the ad placed on your page or video. आपके वीडियो पे जो एड है उस पर क्लिक अगर वो करते हैं तो कितने क्लिक करते हैं उस बेसिस पे आपको पेमेंट होता है. पर नोट करिए, हाउएवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट गूगल विल बी गिव यू अ 68% ऑफ द रेवेन्यू व्हेन डिस्प्लेइंग एड्स विद द एडसीन. लेकिन गूगल आपको क्या करता है, 68% ही देता है. सपोज यू अर्न $1,000 फ्रॉम एडसीन, revenue you will receive only $680. अगर 1,000 आपने कमाया तो आपको $680 ही मिलेगा. तो उनके सारे रूल्स हैं और उनकी जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्योंकि सर्विस देते हैं इसलिए वो उतना चार्ज कर लेते हैं और आपको पूरा नहीं मिलता है. So thank you viewer, this is all today. If you like this information, please share and subscribe. By like or subscribe जरूर कर लिया कीजिए. बहुत problem आप लोग create करते हैं, इतना मेहनत से हम लोग video बनाते हैं लेकिन आप लोग ना like करते हैं ना subscribe करते हैं. Please subscribe कर लिया कीजिए. Thank you viewers.